बीजेपी में वर्चुअल रैलियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिहार के बाद सोमवार 8 जून को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ओडिशा जनसंवाद रैली की। इस वर्चुअल रैली में अमित शाह ने सीमा पर मुस्तैदी से लेकर राहत पैकेज तक की बात की और ओडिशा के लोगों को याद दिलाया कि जब भी जरूरत आई है पीएम मोदी ओडिशा के साथ खड़े हुए हैं। अमित शाह ने कहा कि पहले सीमाओं पर जो हमले होते थे उनका जवाब दिल्ली दरबार नहीं दे पाता था, लेकिन मोदी सरकार ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को उसकी सजा दे दी है। अमित शाह ने रैली में ओडिशा को बीजेपी का किला बनाने की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि अब ओडिशा को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनाने का काम करना है। ये भारत का संस्कार केंद्र है, इसे विकसित राज्य होना ही चाहिए। ओडिशा का कोई भी भाई रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में ना जाने पाए, ऐसी स्थिति हमें बनानी है। ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, नकारात्मक विचारधारा वाले इन लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग में हम पर सवाल उठाए। मैं कहना चाहूंगा कि हो सकता है हमसे गलती हुई हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो, लेकिन हमारी नीयत पर कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता। हो सकता है हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, लेकिन आपने क्या किया? पहले भी विपदाएं आई, लेकिन कांग्रेस ने इंटरव्यू देने के सिवा कुछ नहीं किया। अमित शाह ने आर्टिकल 370 पर भी बात करते हुए कहा कि कई सरकारें दो तिहाई बहुमत के साथ आईं, लेकिन किसी ने भी आर्टिकल 370 और 35A हटाने का साहस नहीं दिखाया। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदन में बिल लाए और फिर आर्टिकल 370 के साथ 35A के विशेष अधिकार को खत्म कर दिया। कोरोना महामारी के दौरान दी गई मदद के बारे में अमित शाह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान 11 करोड़ लोगों को खाना उपलब्ध करवाया है। मैं तहे दिल से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी टीम और सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने RECP के नेगोशिएशन की शुरुआत की थी। अगर RECP पर दस्तखत हो जाते तो इस देश का छोटा व्यापारी, उद्यमी, पशुपालक, किसान, मत्स्य उद्योग से सब अपना जीवन अच्छे ढंग से जी पाते। नरेंद्र मोदी ने RECP की मीटिंग में कहा कि ये देश गांधी का देश है, गरीब, किसान, छोटा मजदूर और मेरे मछुआरे भाइयों से दगा नहीं कर सकता, उनके हित में मुझे सोचना होगा। इस तरह से हम RECP से बाहर हुए और आज हर छोटे व्यापारी, उद्यमी अपने आप को बचा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह ने रैली में राम मंदिर पर भी बोला। शाह ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि का विवाद वर्षों से चल रहा था, करोड़ों लोग राह देखते थे कि कब राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनेगा। मोदी सरकार को दोबारा बहुमत दिया, सटीक तरीके से अपना पक्ष रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया। बीजेपी की वर्चुअल रैलियों का दौर जारी है। बिहार से शुरू हुआ ये सिलसिला अब आगामी चुनावों की वजह से जारी रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं नीला लल्लन टॉप। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।